कोरोना दुनिया भर में 4,08,000 से ज्यादा जाने ले गया। अमेरिका में 1,13,000 अमवात, 20,26,000 अफराद वायरस से मुतासर हैं। भारत में 2,65,000 से ज्यादा मरीज, भारतीय रियासत महाराष्ट्र में मरीजों की तादाद चीन की कुल तादाद से भी बढ़ गई। अमेरिका में कोरोना से हलाकतों की तादाद 1,13,055 हो गई, जबकि 20,26,490 से ज्यादा अफराद वायरस का शिकार हो चुके हैं। अमेरिका में 7,73,480 मरीज सेहतयाब हुए हैं। बरतानिया में कोरोना से मजमूई अमवात 40,597 हो गई, जबकि मुतासर अफराद की तादाद भी 2,87,000 से बढ़ गई है। ब्राजील हलाकतों की तादाद में तीसरा मुल्क बन चुका है, जहां हलाकतें बढ़कर 37,500 से ज्यादा हो गईं, जबकि मुतासर अफराद की तादाद भी 7,10,000 से ज्यादा हो गई। मोहलिक वायरस इटली में 33,964 इंसानों की जाने ले चुका है और 2,35,000 से ज्यादा लोग वायरस से मुतासर हुए। फ्रांस में हलाकतें 29,209 हो चुकी हैं और मजमूई केसेस की तादाद 1,54,000 से तजावुज कर गई। स्पेन में 27,136 अफराद वायरस का शिकार होकर मर चुके हैं, जबकि केसेस की तादाद 2,88,000 से ज्यादा हो चुकी है। भारत में भी कोरोना के मरीजों की तादाद में तेजी के साथ इजाफा हो रहा है और वो इस फहरिस्त में छठे नंबर पर आ चुका है। भारत में वायरस से 7,473 हलाकतें हो चुकी, जबकि इससे मुतासर मरीजों की तादाद 2,35,278 हो चुकी है। जर्मनी में 8,783, रूस में 5,971, ईरान में 8,351, तुर्की में 4,711 और सऊदी अरब में 746 अफराद लुक्मे अजल बन चुके हैं।